यूपी की एक गोरखपुर में एक बड़ा खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने नक्सली स्टाम्प बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 84 वर्षीय मोहम्मद कमरुद्दीन समेत 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,52,030 रुपए के नकली स्टाम्प के अलावा छपाई मशीन, यूपी व बिहार के गैर न्यायिक स्टाम्प, एक लैपटॉप, 100 पैकेट इंकर, पेपर कटर मशीन और सादे कागज बरामद हुए हैं। आपको बता दें, गोरखपुर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के मुताबिक कमरुद्दीन ही गिरोह का मास्टरमाइंड है और बीते 40 साल से इस धंधे में लिप्त है। आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों में कुशीनगर के राम लखन जायसवाल, ऐश मोहम्मद, रविंद्र दीक्षित, तिवारिया के संतोष गुप्ता और नंदू उर्फ नंदलाल भी शामिल है। वही SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गोरखपुर कोर्ट में इस्तेमाल नकली स्टाम्प का मामला सामने आने के बाद केस दर्ज किया था। SIT की 3 महीने की जांच के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कुशीनगर के एक वेंडर की गिरफ्तारी के बाद सिवान के कमरुद्दीन का नाम सामने आया था, उसकी गिरफ्तारी से ही पूरा मामला खुला। वही कमरुद्दीन को बिहार पुलिस ने 1983 में जेल भी भिजवाया है, वह कोर्ट से बरी हो गया था। SSP ने बताया कि गिरोह में शामिल कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया, तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। स्टैम्प पेपर्स, फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए CO कैंट के निर्देशन में एक SIT का गठन किया गया था, जिसको पहले ASP मानुष पारेख और बाद में ASP अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से SIT द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहेबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि 1 गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और 1 देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज़ किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उससे कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी SIT टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा गया। सर, अभी तक कितने का रिकॉर्ड? देखिए, इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन काफ़ी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स,
जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार? देखिए, बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इनको छापा जा रहा था, उसकी अरेस्टिंग हो गई।